अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि ख्वाब में अगर कोई बंदा ये देखे कि वह अपनी बीवी की पिटाई कर रहा है, उसको मार रहा है, तो उसकी ताबीर क्या होती है। या ऐसे ही अगर कोई खातून बीवी ये देखे कि उसके शोहर ने ख्वाब में उसको पिटाई की है, मारा है, तो इस ख्वाब की ताबीर क्या है। ताबीर बयान करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और दूसरी आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमने अपने इस चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम फ्राइडे कमेंट बॉक्स है। पूरे हफ्ते हमसे जिन ख्वाबों की ताबीर मालूम की जाती है उसमें हम फ्राइडे के प्रोग्राम और वीडियो में उन ख्वाबों की ताबीर देते हैं। आपने भी अगर किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करनी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ ख्वाब भी लिखें और अपना नाम और एड्रेस ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। ये एक ऐसा ख्वाब है, ख्वाब में बीवी को मारना, चाहे शोहर देखे चाहे बीवी देखे, जब इस तरीके का ख्वाब वो देखेगा तो जाहिर सी बात है टेंशन में आएगा, परेशान हो जाएगा, भाई ऐसे क्या हो गया, मैंने क्यों मारा, ये मेरे शोहर ने मुझे क्यों मारा। याद रखें ये कोई परेशानी की चीज नहीं है और कोई घबराने की टेंशन की बात नहीं है। शोहर अगर बीवी को ख्वाब में मार रहा है, पिटाई कर रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत अटूट है। और अगर अभी मोहब्बत नहीं है तो इस ख्वाब में इस जानिब इशारा है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ख्वाब क्या है और ताबीर क्या है? ख्वाब का मसला ऐसा ही होता है, ख्वाब की ताबीर कभी कभी बिल्कुल अपोजिट और उल्टी होती है, जबकि ख्वाब कुछ और है। ख्वाब में दुश्मनी की जानिब इशारा है, नाराज़गी की, गुस्से की जानिब इशारा है, और ताबीर ये है कि शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत उल्फतें पैदा होंगी। इसलिए मेरी बहना और मेरे नाजरीन और दोस्तों, जब इस तरीके का ख्वाब इंसान देखता है तो फिर वो टेंशन में आ जाता है। इसलिए अपने दिल को सुकून से रखा करें और इत्मीनान से अल्लाह से खैर और आफियत और भलाई की दुआएं करते रहा करें। ख्वाब ही तो है, अल्लाह ताला आपके साथ आपकी दुआ को कबूल करके खैर और भलाई का मामला करेगा, इसलिए परेशान ना हुआ करें। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।